हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। अगर सन मून और राइजिंग की पोजीशन आपके स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि है तो रीडिंग आपके लिए इस मून चेक करने की जो न्यू मून इन लियो होने जा रहा है वो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि पे क्या प्रभाव और क्या असर डालने वाला है। एज जो राहु है वो हमारे भुनि नक्षत्र में चल रहे हैं एंड जो मून और मास है वो वहाँ पे 0 डिग्री पे एक साथ सारे कंजक्ट हो रहे हैं। शनिदेव हमारे वक्री चल रहे हैं एंड गुरु भी हमारे वक्री होने जा रहे हैं और जो ये न्यू मून है वो हमारा लियो में होने जा रहा है, जो एक बहुत ही रेयर एंड डेडली कॉम्बिनेशन है जो हमें एक बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांजिशन की ओर लेके जा रहा है। सो योर फर्स्ट कार्ड, ओके, देयर आर टू। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। न्यू मून इन लियो, माय गॉड। स्कॉर्पियो, मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं या जिस भी सिचुएशन में आप हैं उसका एक तरीके से बोलते हैं ना, जजमेंट टाइम एंड जस्टिस टाइम इज नाउ। एज आपका जो कार्ड है वो न्यू मून इन लियो का आया है एंड न्यू मून इन लियो इज अबाउट टू बिगिन। सो आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि कॉन्फिडेंस रखिए अपने पे, कॉन्फिडेंस ही आपको सक्सेस दिलाएगा। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपको दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है कि आप असली क्या हैं, क्या कर सकते हैं। बस अपने कॉन्फिडेंस को डगमगाने मत दीजिए। आप जिस भी सिचुएशन में हैं या जिस भी रिलेशनशिप या जिस भी पार्टनर के कंसर्न में ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली मुझे जजमेंट एंड जस्टिस टाइम का जो है वो मिला है एनर्जी। आप देख सकते हैं आपका थर्ड कार्ड, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। न्यू मून इन एक्लिप्स, न्यू मून इन एक्लिप्स हमारा अभी हो के गया है स्कॉर्पियो। बहुत ही पावरफुल चेंजेस मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, कुछ मेजर होने वाला है फॉर श्योर। आप जिसे बदल नहीं सकते, होने से रोक नहीं सकते। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स में आप विश्वास कीजिए एंड कॉन्फिडेंस ही आपको जताएगा। इट्स द टाइम नाउ। जब हम बोलते हैं ना कि भाई कब आएगा, टाइम कब आएगा, आपके लिए स्कॉर्पियो दिस इज द टाइम। कुछ बहुत ही मेजर एंड पावरफुल होने वाला है आपकी लाइफ में। इन शॉर्ट टावर मोमेंट मैं बोलूँगी आपके लिए। ये जो न्यू मून इन लियो है वो आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है, बहुत कुछ पावरफुल लेकर आ रहा है। बस अपने सपनों पे भरोसा रखिए एंड कॉन्फिडेंस अपना डगमगाने मत दीजिएगा। एज हमारा जो बॉटम ऑफ द डेक है, टेक टाइम टू डीप ब्रीथ आउट, हमें शो कर रहा है कि थोड़ी लंबी सांस लीजिए एंड चीज़ें एक के बाद एक होने वाली हैं, एक के बाद एक होने वाली हैं। हो सकता है आपकी लाइफ बहुत उथल पुथल होने वाली हो या जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट अफर्म कर रहे हो आपको ऑल ऑफ द सडन शॉकली मिल जाए, आपने सोचा भी नहीं होगा जो वो होने वाला है लियो। अगर आप इन शॉर्ट मैं बोलूँ, वैसे भी ये जो हमारा नक्षत्र एंड जो हमारे कंजंक्शन चल रहे हैं, अगर आप कौरव हैं तो यू हैव टू पे रियल हार्ड, अगर आप महाभारत के कौरव हैं तो। बट अगर आप पांडव हैं तो क्या बात है यार, पॉपकॉर्न लो, कोल्ड ड्रिंक लो, बैठो आराम से इंजॉय करो ये टाइम पीरियड। दैट्स आई कैन से फॉर यू स्कॉर्पियो। आइए चलिए अब देख लेते हैं एंजल्स स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आंसर्स देना चाहते हैं। आप जो भी क्वेश्चंस एंजल से पूछना चाहते हैं आप मनी मन उसे दोहरा सकते हैं। जिस भी पार्टनर के कंसर्न में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन पार्टनर का नाम आप मनी मन दोहरा सकते हैं। सो प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके क्वेश्चंस का मुझे आंसर करें। ओके, अपॉर्चुनिटी। आपको कोई ना कोई आपका जो भी क्वेश्चन था उसके रिगार्डिंग में एंजल्स बोल रहे हैं आपको, ज़रूर कोई ना कोई इस चीज़ के रिगार्डिंग में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है। उस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करें। ये जो लियो का जो टाइम पीरियड है आपका, जो ये 15 डेज का टाइम पीरियड हमारा रहेगा, आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने वाली है। यू हैव टू हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, टेक अ डीप ब्रेथ एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओ माय गॉड स्कॉर्पियो, योर रीडिंग इज गेनिंग मोमेंटम। हाँ, योर रीडिंग इज रियली गेनिंग मोमेंटम। योर सेकेंड कार्ड इज देयर समथिंग बेटर। आपने जो सोचा भी नहीं होगा उससे भी बहुत कुछ अच्छा यूनिवर्स ने एंड एंजल्स ने आपके लिए सोच रखा है। ओके, जो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल रही हैं उसमें भी आप वाइजली चूज़ करें कि क्या आपके लिए बेटर रहेगी, क्या सबके लिए बेटर रहेगी एंड उसी हिसाब से फैसला लें। एंड नॉट द राइट टाइम। आपने जो भी क्वेश्चन इस कार्ड के रिगार्ड में पूछा था उसका आंसर है नॉट द राइट टाइम। अभी उस चीज़ का राइट टाइम नहीं आया है। इट विल टेक
सम मोर टाइम, बट डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल एंड मेजर चेंजेस तो मैं देख पा रही हूँ. बी असर्टिव. एंड इसका जो हमारा बॉटम ऑफ द डेक आया है, रिकंसिडर. आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको किसी ना किसी चीज़ पर रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, ठीक है ना. आपको कुछ दोबारा सोचने की ज़रूरत है आपकी अपॉर्चुनिटीज पे, आपके ऑप्शंस पे, आपके रिलेशनशिप पे. टेक इट एज इट रेजोनेट. एंड थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है चीज़ों को, थोड़ा जो है रिकंसिडर कीजिए. हो सकता है कि आपके लिए कुछ और बेटर आगे यूनिवर्स ने सोच के रखा है, तो इसलिए वो बोल रहा है देयर समथिंग मोर बेटर फॉर यू. आइए अब आपके लिए देख लेते हैं एंजल्स क्या लव मैसेजेस देने वाले हैं. न्यू मून इन लियो फॉर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये न्यू मून इन लियो इन लव सेक्टर. ओके, रिकंसिलिएशन समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लव. ओ माई गॉड स्कॉर्पियो, वन ऑफ द बेस्ट रीडिंग. रिकंसिलिएशन मैं देख पा रही हूँ. हो सकता है कि जिस भी पार्टनर के कंसर्न में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका उनसे रिकंसिलिएशन हो जाए. समवन फ्रॉम द पास्ट कैन रिटर्न एंड चीज़ें आप लोगों के बीच में बात हो सकती है, चीज़ें बेटर के लिए हो सकती हैं. एज दे आर अपॉर्चुनिटीज कमिंग एंड पावरफुल चेंज इज एक्सपेक्टेड. न्यू मून इन लियो, सो मच सिंक्रोनिसिटी. एंड हमारा बॉटम ऑफ द डेक भी आया है, मेक द एफर्ट. ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक. रिकंसिलिएशन आपका शो हो रहा है, बट आपको भी कुछ एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, आपको भी कुछ स्टेप्स चलने पड़ेगा. ये नहीं कि सामने वाले ही सारा एफर्ट डालेगा, स्टेप्स करेगा, हम तो बैठ के देख रहे हैं भाई तमाशा. जो भी होगा सामने वाला खुद से करेगा. तो अगर आप इसमें रहेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देंगे. आपको भी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, आपको भी एफर्ट डालने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो. सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. होप दिस रीडिंग हैव ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.